नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विनय आरपी में। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आपके एक्सेस के डाटाबेस पे जब आप उसको ओपन करते हैं तो वो एक बहुत सारा मैसेज बन के आता है कि आपका डाटा करप्ट हो गया है, या डाटा का आपका ओपन ही हो रहा है, या आप कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, सॉफ्टवेयर आपने लॉग इन कर लिया, कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर कोई आप यूज़ कर रहे हो, उसमें आपको एरर 3343 लिख के आ रहा है, अनरिकोगनाइज डाटाबेस फॉर्मेट। उस एरर का आपने सोल्यूशन कैसे करना है उसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी देंगे। सो बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। हमारी वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरह के रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट्स आते हैं, इन्फॉर्मेशन के एरर के अपडेट आते रहते हैं, आपको पता चलता रहता है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये हमारा सॉफ्टवेयर है, मैं एक बार इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ जी। इसको मैं कंटिन्यू करके सॉफ्टवेयर को चला लूँगा। थोड़ा सा मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में भी बता दूँ। हमारे पास हर ट्रेड के लिए जीएसटी रेडी ईआरपी सॉफ्टवेयर होते हैं। आपका कोई भी बिजनेस है, आपका स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट है, आपका कोई स्वीट शॉप है, मोबाइल शॉप है, किसी भी टाइप का आपको ईआरपी सॉफ्टवेयर चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेल, रिटेल, हमारे पास हर टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखो जी, हमारे सॉफ्टवेयर में यहाँ पे सेट डाटा पाथ का सिस्टम लगा हुआ है। आपने सबसे पहले तो अगर आपके पास यहाँ पे कंपनीज भी नहीं शो हो रही तो आपने डाटा पाथ सेट कर देना है। हम F4 करेंगे जी। F4 करके जिस ड्राइव में हमारा डाटा होगा वहाँ का हमने पाथ ले लेना है। यहाँ पे जैसे सेलेक्ट न्यू पाथ पे मैं जाऊँगा जी। उसके बाद जिस ड्राइव में मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, सपोज मेरा डी या ई किसी में भी इंस्टॉल है, जैसे मेरा ई में इंस्टॉल है तो ई में डबल क्लिक करके मैं ओपन कर लूँगा। जो भी आपका डाटा फोल्डर है, ये मेरा डाटा फोल्डर है, इसको मैं क्लिक करके जी ओके कर दूँगा। ये मेरा डाटा पाथ सेलेक्ट हो गया तो मैं इसको अप्लाई कर दूँगा। ऐसे ही जो भी आपका डाटा पाथ होगा, अगर आपके पास कंपनी शो नहीं हो रही है तो आपने करना है, कंपनी शो हो रही है तो आपने ये सेटिंग नहीं करनी है। उसके बाद आपने जो सॉफ्टवेयर का आपका आइकन होगा उसको आपने राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन में चले जाना है, जहाँ आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के फोल्डर में जा सकते हो। सॉफ्टवेयर के फोल्डर में आप चले गए, आपने ओपन कर लिया, आपने डाटा नाम का फोल्डर होता है उसको हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। आपने चेक कर लेना है कौन सी कंपनी में आपका डाटा है। जैसे ये है, इसमें 1-to-1 लिखा हुआ है, 1-to-1 वाले में नहीं होता है, जिसमें अकाउंटेंट ओनली 12 लिखा होगा। जैसे अकाउंटेंट 12 है, इसमें आपका डाटा होगा जिसमें 1-to-1 लिखा होगा, जब 1-to-1 के साथ एक छोटी सी ऐसे ही और एक लॉक वाली फाइल होगी, ठीक है जी, वो नहीं ओपन करनी है, जिस पे लॉक नहीं लगा होगा और 1-2 लिखा होगा, अकाउंटेंट 12 लिखा होगा, उस डाटाबेस को आपने डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। आप ओपन करेंगे जो सबसे ऊपर आपको थंबनेल में एरर आ रहा था बड़ा सा मैसेज, वो आपके पास यहाँ पे बन के आ जाएगा। अगर आपका यहाँ पे लॉक लगा हुआ तो आप अपने सॉफ्टवेयर वेंडर को पूछ सकते हो कि क्या लॉक है उसका, ठीक है जी। आपके पास वहाँ पे एरर मैसेज बन के आ जाएगा और लॉक से पहले ही बन के आ जाएगा। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद अपने अनेबल कंटेंट पे जाना है जी। अनेबल कंटेंट कर दोगे, कई भाइयों का अनेबल कंटेंट करने के बाद यहाँ पे एक बड़ा सारा बॉक्स सा बन के आ जाता है, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन आते हैं। सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करके आपने कंटिन्यू कर देना है जी। कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग होने लग जाएगी, रिपेयर दिखने लग जाएगा यहाँ पे आपको छोटा सा नीचे कि आपका डाटाबेस रिपेयर होने लग गया है। उसके बाद फाइल्स में आके जी यहाँ पे आपने इन्फो में आ जाना है। इन्फो में आके आपके पास यहाँ पे होगा कम्पैक्ट एंड रिपेयर। अपने कम्पैक्ट एंड रिपेयर पे क्लिक कर देना है तो जी आपका यहाँ पे देखिए आपको नीचे आपकी प्रोसेसिंग चलने लग जाएगी, आपका डाटाबेस यहाँ पे रिपेयर होने लग जाएगा। जब आपका डाटाबेस रिपेयर होगा जी, आपने इसको प्रॉपरली क्लोज कर देना है। देखिए जहाँ पे जैसे छोटी सी फाइल बनी थी वो वाली हमारी, तो प्रॉपर डाटाबेस रिपेयर होने के बाद आपने चेक कर लेना है कि हाँ जी आपका सॉफ्टवेयर चल पड़ा है। अगर फिर भी नहीं आपका सॉफ्टवेयर चलता तो जी आपका डाटा करप्ट हो चुका है, ठीक है जी, तो इसको आपका रिपेयर नहीं होगा। अगर आपके पास कोई बैकअप वगैरह की फाइल है तो आप सॉफ्टवेयर वेंडर को कॉल कर सकते हैं, आपका डाटा बैकअप के बारे में आपको जानकारी देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताएंगे किस तरह से आप अपनी बैकअप फाइल से अपना जो है डाटा बैकअप ले सकते हैं। और ये प्रॉब्लम क्यों आते हैं भाई, बहुत सारे मैसेज कर रहे थे सर ये प्रॉब्लम क्यों आती है। ये प्रॉब्लम इस कारण आती है जी, अगर आपके कंप्यूटर में UPS नहीं लगा हुआ है। क्या होता है जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, अगर आपका कंप्यूटर एक मिनट के लिए ही तुरंत बंद हो जाता है। अगर आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप की तो बात अलग है, लैपटॉप में तो रिकवरी होती है, चार्जर वगैरह पे लगा होता है। अगर कंप्यूटर पे क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी पे होता है, वो एक मिनट में ही बंद हो जाता है, तो इस कारण वो उसके जो है फंक्शन है एक्सेस के वो करप्ट हो जाते हैं, इस कारण प्रॉपर नहीं चल पाता। तो जरूर आप कोशिश करिएगा कि आपके कंप्यूटर में UPS लगा हो, जिस वजह से आपका डाटा सेव रहे, डाटा करप्ट ना हो। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर आगे इन्फॉर्मेशन देंगे कि अगर आपका डाटा करप्ट हो जाए तो किस तरह से आप उसको बैकअप ले सकते हैं, किस तरह से सही कर सकते हैं। बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। हमारी वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू जी, शुक्रिया।